नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। अब आप देखिए संतोष भगत के साथ संवाददाता विनय महाजन की ये स्पेशल रिपोर्ट। आमदार नरेंद्र मेहता ने अपने हजारों हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ अपना नामांकन पत्र भरा। बता दें कि नरेंद्र मेहता की ये यात्रा मीरा रोड स्टेशन से शुरू हुई, जहां पहले उन्होंने शहीद कौस्तुभ राणे की प्रतिमा को फूलों की माला पहनाई। नरेंद्र मेहता की इस यात्रा में भारी भीड़ भी देखने को मिली। बस एक ही आवाज से पूरा शहर गूंज रहा था, नरेंद्र मेहता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, अपन नामांकन दाखिल के लिए आए, क्या पहली प्रतिज्ञा तुमसे असेल? मैं सबसे पहले हमारे महायुती के सभी नेतागण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक बार फिर इस शहर का नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं हमारे सभी महायुती के नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आरपीए के रामदास आठवले जी, यहाँ पर उपस्थित खासदार राजेंद्र विचारे जी, राजीव शर्मा महापौर हमारे शैलेकर जी, बाकी सभी साथीगण, मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज बड़े उत्साहपूर्वक हम सब ने मिलकर नामांकन किया। जनहित की बात है, वहाँ हम सब एकत्रित हैं, संगठित हैं और पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता पिछली चुनाव की तुलना में इस बार उससे भी ज़्यादा बहुमत में देगी। भाजपा ने मोटे प्रमाणवत शक्ति प्रदर्शन के लिए, तसेस माजी महापौर गीता जैन ने शक्ति प्रदर्शन के लिए आए थे, तुम्हें क्या संग रहा? मुझे नहीं पता भाजपा को शक्ति प्रदर्शन नहीं, आपने देखा है कार्यकर्ता उत्साहित थे और ये उत्साह था, उत्साह में शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब कार्यकर्ता इसलिए उत्साहित थे कि फिर एक बार महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आने वाली है और यहाँ दोनों विधानसभा क्षेत्र से यहाँ 145-146 से प्रताप समय की और 145 से मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ और हम दोनों ही विजय हो गए। ये जनता का भी विश्वास है और कार्यकर्ता का भी विश्वास है, ये उत्साह आपको देखने में। गीता जैन ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपसे जान का खतरा है। देखिए, वो उनके संस्कारों के हिसाब से काम करते हैं, मैं अपने संस्कारों के हिसाब से काम करता हूँ। उनने क्या कहा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे संस्कार वही है जो मेरे माता पिता ने दिए और वही संस्कार है जो पार्टी ने दिए, हम उसी विचारधारा पे काम करते हैं। वो क्या कहती है? यहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ शिवसेना के लोग भी वहाँ गीता जैन के साथ देखने को मिले, नगर सेवक उपस्थित थे वहाँ पे। मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि भाजपा का, शिवसेना का, आरपीए का, अन्य हमारे महागठबंधन की सभी कार्यकर्ता पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करेंगे। कोई कोई कभी कभी जब सामने आता है, रास्ते में कोई आता है, ठकराता है तो शुभकामनाएं देता है, हमें भी अभी मनसे वाले मिले तो मैंने भी उन्हें शुभकामनाएं दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मनसे के साथ में हूँ, तो हुआ रहेगा। वो चीज़ के अंदर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सभी लोग संगठित होकर काम करें। चुनाव में गीता जैन कितना डैमेज कर सकती है आपको? कौन है आपकी प्रतिद्वंदी? सर दोबारा यही जवाब। आज बड़ा पहली बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही है भाजपा की नगर सेविका होकर, और जनता समझदार है, सही समय पर आने उनका जवाब जनता ही देगी, मेरा देना उचित नहीं। पार्टी किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रही है? पार्टी के नियमों के हिसाब से जो होना है वो होगा। सर, आपने 400-500 गुंडे छोड़ रखे, उस पर क्या बोलेंगे? कहाँ पर है? ये गीता जैन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है। भैया यार, अब हम चुनाव लड़े यार, चुनाव की बातें